बैक गाइस, हमारा दिन शुरू हो चुका है चाय की पहली प्याली या कप कह लो, और शिवाना से भी मिलवाती हूँ। शिवानू आप क्या खा रहे हो? अनार। अनानार, ओके यम्मी। तो मैंने आपको कल दिखाया था, मैंने फर्स्ट एड बॉक्स में लगाया दवाइयाँ रखने के लिए। तो मेरा कुछ ऐसा प्लान बना है कि इसमें मैं हमारी रखूँगी, मतलब मेरी तो उतनी नहीं है, मेरी तो बेसिक गैस वैस की होती है, मल्टीविटामिन टाइप, हनी की कमर दर्द वगैरह की दवाइयाँ हैं, ट्यूब्स हैं, और वो म्यूचुअल दवाइयाँ जो डेली डिस्प्रिन वगैरह होती है वो मैं इस अपने अपने में रखती हूँ, क्योंकि शिवाना का मैं ऑलरेडी अरेंज कर चुकी हूँ। अगर आपने दो दिन पहले का व्लॉग देखा था तो मेरा उसको डिस्टर्ब करने का मन नहीं है। अगर उसकी दवाइयाँ हमें लगेगा कि उसमें नहीं ठीक से खा रही, फिर वी विल ऑर्डर अगेन फॉर हर। बट इसके लिए इसमें क्योंकि ज़्यादा स्पेस है तो मुझे लग रहा है हमारी दवाइयाँ आ सकती है। आज के मौसम की तो क्या ही कहें, क्या मौसम है, क्या नज़ारा है, चप चप चप। बट इससे धूप भी है और बारिश हो रही है, क्या हवा भी चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा हिसाब के तहत। शिवानू व्हाट आर यू डूइंग बेटा? छींची है वो, देखो। मजा आ रहा है? बोलो मजा आ रहा है। लवली ये सामान मंगा के कभी कभी मैं खुद ही पछताती, क्योंकि ये काइनेटिक सैंड इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है, और स्टिकी भी है, उसमें नॉन स्टिकी लिखा था बट ये स्टिकी है, इसके पार्टिकल्स रह जाते हैं हाथों पर। शाम को फिर ले आई हूँ मैं शिवाना को बाहर, मतलब बाल्टी में वेट कर रहे हैं हनी का। मेरे को तो हनी आने वाला होगा, उसको दिखा दूंगी यहीं से, अभी लग तो नहीं रहा, पूछती हूँ फ़ोन करके। शाम का समय हो गया है और हम लोग जा रहे हैं शायद किसी गुरुद्वारे अरदास करवाने स्कूटी की, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं और क्या होता है। और हमने गोलू को भी मिठाई देनी है, तो वो भी देनी है। मम्मा आओ, आप चलो, हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे, तो पहले मेन काम करते हैं, फिर करते हैं बाकी के काम। भाई ऐसा खतरनाक एटीएम है ना, तो मैं पैसे निकाल लूं, रुको फिर दिखाता हूं आपको, रुक जाओ। देखो भाई ये है, मुझे लगता है एटीएम जब दिन में खुलता होगा ये, और ये देखो यहाँ पर खिड़की, भाई पूरा अंदर हाथ घुसा के लेट के निकाले मैंने पैसा, और कुछ गिर जाता तो अंदर फिर वेट करना पड़ता है सुबह खुलने का। भाई हम आ गए हैं मेरे पुराने घर में, जहाँ पे हम पैदा हुए, जहाँ बचपन निकला, मिट्टी को यहीं पर रहते हैं। भाई मुझे बंद कर में। देखो शिवाना यहाँ बैठ के जिम से जैम निकाल के खा रही है, और ये अभी सो के उठा है, खुशबू आ गई है इसको, इसने ऊपर चढ़ के शिवाना से छीनना है। सो हम लोग अभी देखो 10:30 हो रहे हैं, घर आ गए हैं वापस। सबसे पहले तो मेरी तरफ से वेलकम बैक, मैं शाम को व्लॉग इसलिए रात को एकदम स्टार्ट कर रहा हूँ व्लॉग। ऑफिस से आए और आके हम लोग चले गए गुरुद्वारे, जैसा कि हमने बताया था, और कालका जी में ही गए थे गुरुद्वारे, और वहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे तो अरदास का भी टाइम था, इसलिए हम लोगों ने अंदर तो कोई फ़ोन उठाया ही नहीं व्लॉगिंग के लिए, हाथ भी नहीं लगाया फ़ोन को, और शिवाना भी वहाँ जाके खुश हो जाती इतनी ज़्यादा। तो बस हमने मत्था टेका और उसके बाद हम चले गए गोलू के घर पे, और उसके बाद गए मेरी दादी के घर पे। तो उस चक्कर में हमें दो ढाई घंटे इसी काम में लग गए। अब आए हैं वापस और अब हम करेंगे अपना डिनर। तो यही था सारे शाम से हम लोग बाहर ही थे, स्कूटी पे ही थे, इसीलिए कुछ खास ब्लॉग हम कर नहीं पाए। और इसका मैं ज़रा शैतान शिकारी का एक कारनामा आपको बता देता हूँ कि आज इसने विवेक को दांत मार दिया, पता नहीं इसकी लीश या किसी और डॉग की लीश फंस गई होगी, तो विवेक निकलवा रहा था, इसने ये ज़्यादा चिढ़ हुए, इसमें इतनी ज़्यादा अकड़ है कि इसको कोई छुए ना बस, और एकदम से जैसे विवेक ने हाथ लाला होगा इसने काट दिया। वो तो बेचारे के थोड़ी सी खरोच आई है, पिटा भी ज़रूर होगा, पक्का 100% पिटा होगा विवेक से, बट इसकी हरकतें ही ऐसी, अब इसको पता है कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, देखो देखेगा नहीं इधर,
जहां देखो मेरी बेइज्जती कराता जा गया होस्टा, जहां देखो। आज हमारे डिनर में है दाल मखनी, दाल मखनी वाली दाल और ऊपर से डाला मक्खन, रोटी चावल और ये देखो भाई पिंक रायता। पिंक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आई गेस वैशाली ने चकुंदर डाला है, तो अटरम शटरम करती रहती है कुछ ना कुछ वैशाली, जो कि हमें पसंद आ जाता है, इसलिए अपन खाएगा भी ये सब। आज मेरा मन करा है हम आपके हैं कौन देखने का, कभी मैं हम साथ साथ देखने लग जाती हूँ। ये वाली पुरानी सलमान खान की मूवीज मुझे बहुत पसंद है, मम्मी के साथ बैठ के इतनी देखी है ना कि हमारी एज के इन बच्चों ने ये मूवीज तो जरूर देखी होंगी। दोनों कनेटिक कनेटिक हो रहे हैं, बड़ी मजा नहीं आया इसमें। ये ना लोकल है, अच्छी वाली नहीं है। क्या कर रहे हो? What is this? Nose? मैंने मना किया नोज में मत डालो, ears में डालो। ears में डाल दिया? क्यों डाला फिर ears में? नहीं नहीं नोज में नहीं बेटा, नोज में नहीं, मुंह में नहीं। तो गाइस आज की एक इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि मेरे पापा को आया एक फोन, जो आजकल ये फ्रॉड वगैरह फोन आते हैं ना, ऐसे ये कॉल थी कि मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ और आपका बेटा मेरे पास है, उसने कुछ लूट कर दी है ऐसा कुछ बोला, और मैं उसकी फ़ोटो जो फ़ोटो व्हाट्सएप पे आ रही थी वो फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा दूँगी और नंबर भी डाल दूँगी कि किस नंबर से फ़ोन आया, ताकि आप लोग भी अवेयर हो। तो पापा को ये बोला गया कि आपके बेटे को हमने पकड़ लिया, आके उसे छुड़ा लो। तो पापा तो अवेयर थे, तो उन्होंने कहा नहीं मेरा तो कोई बेटा ही नहीं, उन्होंने कहा आपकी कोई चाचा ताऊ वगैरह आपका भाई का बेटा होगा, नाम उन्होंने नहीं बताया। आपने कहा नहीं मेरी शादी नहीं हुई है तो मेरा कोई बेटा नहीं है, और फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो ऐसा उसको छुड़ाना पड़ेगा, इतने पैसे लगेंगे, ऐसे ऐसे करके आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। आप अपने बच्चे के बारे में सोचकर शायद बेवकूफ़ बन भी जाओ कि हाँ मेरा बेटा कहाँ पकड़ा गया, ये वो कहाँ आना है, फिर वो आपसे पहले पेमेंट कराएंगे ऑनलाइन। तो इन सब स्कैम से बचें, और फिलहाल के लिए जो हमें फ़ोटो देखी वो ये थी और आपने देख ली होगी, और ये नंबर था। ऐसे कोई भी कॉल्स आए तो आप लोग अलर्ट रहें और आगे जितना हो सकते हैं ये चीज़ फैलाएं, ताकि ये चीज़ें बंद हों। वैसे तो क्या ही बंद होएंगी, तो लोग ये सब करने से रुकते तो है नहीं, बट पापा को ये सब पता था, पापा अलर्ट है इन सब चीज़ों से, तो उन्होंने उनको ही घुमा दिया। इसी के साथ करते हैं अब व्लॉग की छुट्टी, कल मिलेंगे, आज जाओ निन्नी करो, मेरे को भी करने दो, मैं थक गई। गुड नाइट, सी यू, केम छो, गदो, हेलो गदो, हेलो, गुड नाइट, गुड बाय, हाय गाइस सी यू टुमारो, गदो, हाय गाइस सी यू टुमारो। एक्टिंग क्या करते हैं बच्चे यार बीच बीच में, सी यू टुमारो।